हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट ट्रैकिया। सो ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, सो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैकिया एक तरह का ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर एयर ट्रांसपोर्ट होती है या ट्रैवल करती है। मतलब एयर बाहरी इन्वायरमेंट से लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स के अंदर जो वेस्ट गैसेज होती हैं वो बाहरी इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती हैं। बट उसके लिए एक पैसेज वे होता है, और ये पैसेज वे जो होता है वो क्या होता है, उसी को ही बोलते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ जो होती है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है पाइप ये, ठीक है। कैसी होती है ये? इट इज़ फाइब्रो कार्टिलेजनस ट्यूब। ये किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है ये। क्यों कार्टिलेजनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और फाइब्रस कार्टिलेज को अटैच करने के लिए फाइब्रस लेयर्स या फाइब्रस छत टाइप के स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। सो इसलिए इसको बोल रहे हैं फाइब्रो कार्टिलेजनस ट्यूब विच फॉर्म द ट्रंक ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। अब ये ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री का मतलब क्या है? ट्रैकियो का मतलब तो ट्रैकिया से हो गया, ब्रोंकियल ट्री का मतलब क्या हो गया? अब ये ट्रैकिया जो होती है फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचेस में। जैसे कि एक ट्री को आप सपोज कर लीजिए, ट्री का एक जो मेन ट्रंक होता है उसमें आगे कई सारी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, फिर ब्रांचेस से सब ब्रांचेस डिवाइड होती हैं और उनसे जाकर लीव्स वगैरह लगी रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह के जैसे एक ये ट्री का अरेंजमेंट होता है, इसी तरह से ये ट्री की तरह ही अरेंजमेंट होता है इसी ट्रैकिया का। ये ट्रैकिया जो है पहले दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट ब्रोंकस में और एक राइट ब्रोंकस में। लंग्स कितने होते हैं? दो। तो दोनों को एयर सप्लाई देने के लिए दो पार्ट में ये डिवाइड होती है। लेफ्ट लंग को लेफ्ट वाला ब्रोंकस सप्लाई देता है एयर की, और राइट लंग को राइट वाला ब्रोंकस सप्लाई देता है। ये क्या है? ट्रैकिया के ही बाइफर्केशन है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। बट अब क्या है, जो मेन ब्रोंकस हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉलर ब्रांचेस में, तो उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, जैसे ट्री का एक अरेंजमेंट होता है ना, ब्रांचेस डिवाइड होती जाती हैं, तो इसी तरह से ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाती है टाइनी से टाइनी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग नाम भी होते हैं, सो इसीलिए इसको बोला जा रहा है फॉर्म द ट्रंक ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। तो ये जो ट्रैकिया होती है ये ट्रंक को फॉर्म करती है, मतलब मेन पोर्शन जो है ट्रैकिया का, जो मेन स्टेम है जैसे कि ट्री में होती है, तो उसको ये फॉर्म कर रही है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं फॉर्म द ट्रंक ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। तो इसको हम पहले एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रैकिया कहाँ पर है? लैरिंग्स के जस्ट नीचे से इसका कंटिन्यूएशन होता है। तो इसमें क्या है, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसी को ही बोल रहे हैं ट्रैकिया। अब इसमें क्या होते हैं, ये कुछ सी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये ट्रैकिया है, तो इसके अंदर सी टाइप के इस तरह से रिंग प्रेजेंट होते हैं, सी शेप के, पूरे ओवल नहीं होते हैं, पूरे कनेक्टेड नहीं, सी शेप में होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रैकियल कार्टिलेजेस, ठीक है। अब ये इसका बाइफर्केशन हो रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। ये देखिए यहाँ जो डिवाइड हो रही है इसको बोल रहे हैं लेफ्ट ट्रैकियल ब्रोंकस और राइट ट्रैकियल ब्रोंकस, ठीक है। फिर ये ब्रोंकस जो होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं लंग्स के अंदर जाके, तो इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रोंकियोल्स, ये फर्दर जो डिवाइड हो रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और जहाँ पर ये दो एक सिंगल ट्रैकिया जहाँ पर आके बीच में डिवाइड हो रही है, तो इस बीच वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन फॉर्म होगा जहाँ पर मैंने ये किया हुआ है गोला किया हुआ है, तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? कैरिना। क्या बोलेंगे? कैरिना। सो आई होप कि आपको ये ट्रैकिया का पूरा फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि ट्रैकिया किस चीज़ से बनी है। ट्रैकियल कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होते हैं? सी शेप के रिंग टाइप के स्ट्रक्चर हैं, और ये बाइफर्केट हो रही है दो स्ट्रक्चर में, लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में, और ये ब्रोंकस जो हैं फर्दर डिवाइड होंगे, सब डिवाइड होंगे ब्रांचेस में, जिनको ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। और जहां पर ये मेन एक पाइपलाइन आके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जो बीच वाला पोर्शन है उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? कैरिना। तो आई होप कि आपको ट्रैकिया समझ में आ गया होगा। अब इसका थ्योरिकल पार्ट जब पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सो
इट कंसिस्ट 10 to 12 सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग। तो मैंने आपको बताया सी शेप कार्टिलेजनस रिंग एक के नीचे एक अटैच्ड हैं। तो ये कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, ये 10 से 12 होते हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है, ये ट्रैकिया को एक सेमी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी मतलब थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, बट सेमी वे में, पूरी तरह से हार्ड नहीं होते हैं, सेमी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रैकिया को, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम लैरिंग्स, तो इसका कंटिन्यूएशन कहाँ से हो रहा था, लैरिंग्स के थ्रू, ठीक है। और कहाँ तक हो रहा था, थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है 5th level की, वहाँ तक ये ट्रैकिया होती है, ठीक है। एक्सटेंशन बिटवीन द लैरिंग्स एंड थोरेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। तो ट्रैकिया कहाँ से फॉर्म हो रही है, सर्वाइकल रीजन से फॉर्म हो रही है, और लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, थोरेसिक रीजन में है, तो ये थोरेसिक रीजन तक जाकर डिवाइड होती है। तो इसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है, तो पहला कौन सा है, सर्वाइकल रीजन मतलब नेक वाला जो रीजन है, तो इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द एंटीरियर विसरल कंपार्टमेंट ऑफ द नेक। तो जो नेक का विसरल कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो ट्रैकिया का पार्ट आता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल ट्रैकिया। और जो ट्रैकिया थोरेसिक रीजन में जाके डिवाइड हो रही है, मतलब ट्रैकिया का बाइफर्केशन हो रहा है थोरेसिक वाले रीजन में जाके, तो उसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक ट्रैकिया, ठीक है। और बाइफर्केशन कितने पार्ट में होता था, दो पार्ट में, एक लेफ्ट ब्रोंकस में और एक राइट ब्रोंकस में, ठीक है। सो अब इसकी लाइनिंग की बात करते हैं, ट्रैकिया की लाइनिंग कैसी होती है, या इसकी प्रेजेंस भी आपको इसी समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि ये सी शेप रिंग प्रेजेंट होता है, तो जो मैंने आपको लिंक किया मार्क किया हुआ है, तो ये सी शेप है, ये किस चीज़ का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। जो इसकी इंटरनल लाइनिंग होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। इस म्यूकोसा में कई सारी लेयर इन्वॉल्व होती हैं, आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। बट पीछे वाली लेयर जो होती है वो कार्टिलेज की नहीं बनी होती है, ये कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, जिसको बोलते हैं ट्रैकियलिस मसल, ठीक है। ये ट्रैकियलिस मसल सपोर्ट करती है इसोफेगस को, जब फूड इंगल्फ किया जाता है तो फूड का जो ये इसोफेगस का जो एरिया होता है उसको एक्सपेंड कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये ट्रैकियलिस मसल अलाउ करती है फूड की स्वालोइंग को भी, या जो इसोफेगस का एक्सपेंशन होता है उसको भी अलाउ करती है। तो ये इसकी मस्कुलर अरेंजमेंट था, ठीक है। सो इसी इन्हीं सारी चीज़ों को अब हम थ्योरिकल पार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। द ट्रैकियल कार्टिलेजेस आर कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ट्रैकियल कार्टिलेज किसके बने हुए थे, हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए थे। और ये सारे रिंग कैसे अटैच हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, एक के ऊपर एक अरेंज हैं, और अटैच हैं किसके थ्रू, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू के थ्रू, ठीक है। इनके बीच में फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, और सारे रिंग्स को आपस में अटैच या कनेक्ट करके रखते हैं। किस लिए कनेक्ट करते हैं, इसका भी एक मेजर रीजन है। ये कार्टिलेज की प्रेजेंस होना क्या मायने रखता है, किस लिए है, इंपॉर्टेंस क्या है इन कार्टिलेजेस की, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स की। तो जब ट्रैकिया की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रही है एयर, ठीक है। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस चल रही है, तो एयर का कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग चल रही है। तो क्या होगा, जब एक्सहेलेशन होगा, मतलब जब एक प्रेशर अंदर से, लंग्स का जो प्रेशर है वो बाहर की ओर रिलीज किया जाएगा, तो क्या होगा, हो सकता है मे बी जो ट्रैकिया की वॉल्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाएं, ठीक है। और जब वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगी तो फर्दर जो कॉन्टिन्यूएशन है, ट्रैवलिंग चल रही है एयर की, वो नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि उनको एयर नहीं मिलेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा और लंग्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसी कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, या ट्रैकिया आपस में ना चिपके, उसकी वॉल आपस में ना चिपके या सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट हों, तो उसी लिए कुछ सेमी रिजिड नेचर के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। ये कार्टिलेज किसके हुए बने हुए हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए हैं। ट्रैकियल कार्टिलेज जो हैं ये हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए हैं, और जो कोलैप्सिंग वाली सिचुएशन है उससे प्रिवेंट करते हैं, जब प्रेशर चेंज होता है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। सो द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया इज फॉर्म बाय द ट्रैकियलिस मसल। तो सी शेप है, जो पीछे एक मस्कुलर लेयर मैंने आपको बताई थी उसको क्या बोल रहे थे, ट्रैकियलिस मसल। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो सी शेप है उनको कॉन्टिन्यू सी शेप बनाए रखने के लिए ये जो ट्रैकियलिस मसल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अदरवाइज अगर ये मसल नहीं इनको जोड़ के रखेगी तो हो सकता है ये सी शेप एक्सपेंड हो जाए, खुल जाए,
तो ये सी शेप इनको कंटिन्यूएशन बनाए रखने के लिए ये जो मस्कुलर लेयर है जिसका नाम है ट्रैकियलिस मसल, ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखती है कंटिन्यू। ठीक है, एनाटॉमी की अगर बात करें ट्रैकिया की, तो ये चार लेयर इसमें होती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। ये क्या किस चीज़ की बनी होती है, या इसके जो लाइनिंग होती है किस चीज़ की बनी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम की बनी हुई होती है। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम का मतलब क्या हुआ, इसमें कॉलम शेप की सेल्स होंगी। ठीक है, कॉलम शेप की सेल्स के ऊपर सीलियास प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये सीलिया क्या करते हैं, जब एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसका जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ाते हैं। ठीक है, एयर के मूवमेंट को और ज़्यादा तेज करते हैं। ठीक है, सीलिया कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई भी बेसल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सो ये इसकी इंटरनल लाइनिंग किसकी बनी हुई है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम की। ये क्या करती हैं, ये जो एपिथीलियम होता है क्या करती है, या ये लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। म्यूकस का प्रोडक्शन के होने से क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये इसी म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं और लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। तो इट मींस क्या हुआ, ये एक मेजर रोल प्ले कर रही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है लंग्स को। ठीक है, दूसरी कौन सी लेयर होती है, सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा जो सेकेंड लेयर कहलाती है, ये म्यूकोसा लेयर के ऊपर होती है। ये क्या करती है, इस लेयर में क्या क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, और जितनी भी म्यूकस ग्लैंड होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये इसी सब म्यूकोसल वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं। तीसरी कौन सी लेयर है, मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस लेयर। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर होती है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये किसकी बनी हुई है, मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस लेयर जो होती है, ये जो कार्टिलेज होते हैं इनके रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, या आपस में अरेंज करके रखती है। ठीक है, अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम क्या होता है, फाइब्रो इलास्टिक एडवेंटिशिया। ठीक है, ये एडवेंटिशिया क्या करती है, इलास्टिक एडवेंटिशिया, ये आउटर मोस्ट एक्सटर्नल लेयर होती है ट्रैकिया की। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, लूज एरियोलर टिश्यूज़ की बनी होती है, और क्या करती है, ये ट्रैकिया को ईसोफेगस के साथ कनेक्ट करती है। मैंने बताया ना, सी शेप के पीछे कुछ मस्कुलर लेयर थी, और उसके जस्ट पीछे ईसोफेगस इस तरह से अटैच थी। ये मान लीजिए ट्रैकिया, और पीछे ईसोफेगस है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू ये दोनों स्ट्रक्चर अटैच हैं, एरियोलर टिश्यूज़ के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से दोनों अटैच रहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन जानते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कि एयर का ट्रांसपोर्टेशन करती है, मतलब जो अंदर की वेस्ट गैसेस हैं वो बाहरी एनवायरनमेंट में रिलीज़ की जाती हैं, और बाहरी एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है वो इनटेक की जाती है, और इसके लिए एक पाथवे की ज़रूरत होती है। ये पाथवे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रैकिया। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, जो एयर है वो इन हो रही है और आउट हो रही है। ठीक है, इसी को ही ब्रीदिंग बोलते हैं। सेकेंडरी इसका फंक्शन क्या होता है, इट अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ फूड। तो मैंने आपको बताया जो पीछे वाली जो मस्कुलर लेयर थी, जब फूड इनटेक होता है तो उसी पीछे क्या जुड़ी है, ईसोफेगस। तो जब ईसोफेगस में फूड जाता है तो ये उसको एक्सपेंड कर देती है। ठीक है, मस्कुलर लेयर थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, और एक्सपेंड करने के साथ ही जो ईसोफेगस का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और फूड आसानी से स्टमक में पहुंच जाता है। तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। सो आई होप कि आपको ट्रैकिया का एनाटॉमी अच्छे समझ में आया होगा, उसके मेन फंक्शन जो होते हैं वो समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।